ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS और आपका हेनमन होमियो हॉल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक महिला ने मुझसे कंसल्ट किया, ऑनलाइन मुझसे उन्होंने संपर्क किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या वो मुझे ग्लोब्यूल मेकिंग मशीन मैं उनको वहां पर भेज सकता हूं या फिर नहीं, क्योंकि वहां पर ग्लोब्यूल्स जो हैं अलाउड नहीं है किसी भी तरीके के यूज के लिए। होम्योपैथी एक तरीके से वहां पर बैंड हो चुकी है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए जा चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ग्लोब्यूल्स वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। जो मीठी गोलियां होती हैं होम्योपैथी में, जिसमें हम होम्योपैथिक दवा डालकर देते हैं, डिस्पेंस करते हैं, वो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। उन्हें इंटरनेशनली इंडिया से या फिर अदर स्टेट से, दूसरी स्टेट से उसको मंगाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्जेस वहां पर लग जाते हैं। और उसमें ये भी है कि वहां पर जब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बॉर्डर पर या फिर बॉर्डर लाइन पर जब उसको प्रोडक्ट को चेक किया जाता है तो ग्लोब्यूल्स को आगे पास नहीं किया जाता है। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि एक ग्लोब्यूल मेकिंग मशीन जो है मुझे आप सेंड कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं इंडिया से या फिर नहीं, और या फिर मैं इसको कैसे परचेज करूँ। वो एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थी और होम्योपैथी को बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही थी। अमेरिका में CDC ने, यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने, एक सर्वे किया कि वहां पर कितने परसेंट जनता जो है होम्योपैथी को यूज करती है। जो वहां पर रिजल्ट था वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उसमें बहुत ही एक्सपर्ट इंटरव्यूअर जो है रखे गए थे, तो उसमें देखा गया कि सिर्फ 2% जनता ही होम्योपैथी को यूज करती है अमेरिका में। और जिसमें कि बच्चों की संख्या देखी जाए तो बच्चों को सिर्फ 1.8%, करीब 1% बच्चों को ही होम्योपैथिक दवा वहां पर दी जाती है, जो कि आंकड़ा बहुत ज्यादा शॉकिंग था और बहुत ही कम लोग वो वहां पर होम्योपैथी को यूज करते हैं। देखें इसके विपरीत इंडिया में, इंडिया की बात करें तो यहां पर 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है होम्योपैथी को यूज करती है, करीब 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ लोग रेगुलर यूज करते हैं। ये नहीं कि कभी एक होम्योपैथिक दवा ली थी और कोई ठीक हो गया था, नहीं, रेगुलरली उसको यूज करते हैं, होम्योपैथी पर पूरा विश्वास रखते हैं और हमेशा जो है वो होम्योपैथिक दवा को लेते ही हैं। और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की बात करें, वहां पर होम्योपैथिक फिजिशियन या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर कितने हैं, वहां पर सिर्फ 1000 से भी कम होम्योपैथिक फिजिशियन या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो वहां पर अमेरिका में अगर किसी को ये पैथी बहुत ज्यादा पसंद भी है या फिर इस पर कोई बहुत ज्यादा विश्वास भी रखता है, तो वहां पर सिर्फ वो अपने सेल्फ गाइडेंस पे होम्योपैथिक दवा को लेता है। होम्योपैथिक मेडिसिन वहां पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन वहां पर अवेलेबल होती हैं। बात करें इंडिया में, हमारे भारत में 20 लाख से भी ज्यादा होम्योपैथिक फिजिशियन या फिर डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो है बहुत, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है ट्रस्ट जो है इंडिया का होम्योपैथी पर है। और 20 लाख तो ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल जो है 12,000 डॉक्टर ऐड होते हैं होम्योपैथी के इंडिया में। बात करें कि अमेरिका में होम्योपैथी को कंट्रोल कौन कर रहा है, FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर 1938 में फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, वो जो है होम्योपैथी को रेगुलेट करता है वहां पर। तो बहुत सारे जो नोसोड हैं, यानी कि डिजीज पार्ट से होम्योपैथिक दवाएं बनाई जाती हैं या फिर अन्य हाई पोटेंसी वाली मेडिसिन से होम्योपैथी की, वो वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। और कुछ ही होम्योपैथिक मेडिसिन वहां पर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली होम्योपैथी वहां पर बैंड है, लेकिन एक तरीके से बैंड की तरफ ही वो जा रहे हैं। जब होम्योपैथिक फिजिशियन वहां पर नहीं है और होम्योपैथी को वो यूज नहीं कर रही है पॉपुलेशन, वो इसलिए यूज नहीं कर रही है क्योंकि मॉडर्न साइंस वहां पर ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। FDA के द्वारा बहुत से होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स को अनुमति ही नहीं मिली है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हैं ये इफेक्टिव नहीं है, ये सेफ नहीं है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कारण जाने कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इतनी कम होम्योपैथी क्यों यूज करते हैं। पहला कारण तो यही है कि वहां पर मॉडर्न साइंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम या फिर जो मॉडर्न साइंस है उसको बहुत ज्यादा वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है जो मुझे लगता है कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन वहां पर लार्ज नंबर में अवेलेबल हो जाएंगी तो पेशेंट जो है क्रॉनिक बीमारी के वो आसानी से ठीक हो जाएंगे। और जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है उसकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें मेडिसिन की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, उनके बिकने में, उनकी कॉस्ट में, उनका जो मार्जिन है उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इस वजह से भी ये भी एक रीजन हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मॉडर्न साइंस या फिर एलोपैथी की तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की जाती है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दोराय है भी नहीं।
क्योंकि जरूरत के अनुसार समय के अनुसार जो है एक पैथी जो है काम आती है। इमरजेंसी केसेस में एलोपैथी या मॉडर्न साइंस बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर पेशेंट की जान बचाने में सक्षम होती है। तो आपको खुश होना चाहिए कि इंडिया में अभी तक इस तरीके की भी कोई रुकावट नहीं आई है होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी इंडिया में एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूज करती है। और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये सेफ नहीं है, इफेक्टिव नहीं है और इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो उनको सबसे पहले रिसर्चेस पढ़नी चाहिए जो होम्योपैथी में पहले से हो चुकी हैं कि कितनी ज़्यादा सेफ, इफेक्टिव और क्वालिटी वाली ये मेडिसिन होती हैं और पेशेंट को ठीक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती हैं। और एक जब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं, अदर कंट्रीज जैसे कि जर्मन या फिर अन्य कंट्रीज में भी इसको लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इंडिया में ओवर 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो पेशेंट जब तक किसी भी पैथी को यूज नहीं करता है जब तक उसको रिलीफ नहीं मिलता है, यानी कि पेशेंट को आराम मिल रहा है तभी वो एक पैथी में दोबारा आएगा, तभी उस डॉक्टर के पास दोबारा जाएगा, वरना उसको कोई भी शौक नहीं है। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कितने महान पुरुषों ने इसके बारे में, होम्योपैथी के बारे में अपनी अपनी राय दी है कि कितनी ज़्यादा सेफ, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव ये पैथी है। और हमारी जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो इसको पसंद करती है इंडिया में, तो उसके बाद कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है ही नहीं। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई है, तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूँ। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।